आकांक्षा दुबे की मां ने समर सिंह को लेकर के क्या कहा, आप लोगों को जरूर सुनना चाहिए दोस्तों। अधिकारी थी समर सिंह यादव का मेरी गलतिया में, अरे अपराध का दूसरे साल में काम इसके लिए मार डाला। तो आकांक्षा दुबे की मां का रो रो करके बुरा हाल है और किस प्रकार से समर सिंह के ऊपर इल्जाम लगा रही है, क्या है सच्चाई, वो तो एक दिन दोस्तों सामने आ ही जाएगी। परंतु आज जिसने अपनी सुंदर बेटी को, एक स्टार को खोया है, तो गुस्से में दोस्तों हर इंसान कुछ ना कुछ तो कहेगा। ऐसी स्थिति अगर आपके घर में भी होती तो आप भी कहते, तो गुस्से में कुछ ना कुछ कहेगा, परंतु वो तो वक्त बताएगा। देखिए अक्षरा सिंह के साथ लिपट कर किस प्रकार से रो रही है आकांक्षा की माँ, इस प्रकार से अक्षरा भी रोने लगी। सुनिए देखिए किस प्रकार से। तो दोस्तों देखिए अक्षरा सिंह जब आई आकांक्षा दुबे के घर, तब क्या हुआ, क्या क्या कहा, हम आप लोगों को बताते हैं दोस्तों। देखिएगा किस तरह मीडिया कर्मी कितना ज्यादा परेशान है, पर अक्षरा सिंह ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा आप लोग टीआरपी के चक्कर में, और हमारी बहन का देहांत हो चुका है, आप लोग केवल टीआरपी के चक्कर में मुझे इतना परेशान न करें, मैं कुछ नहीं कहना चाहती, और जो कुछ भी होगा वो आगे बताएंगे दोस्तों, क्योंकि कितना ज्यादा परेशान है। परंतु आकांक्षा दुबे के घर पहुंच अक्षरा सिंह ने मीडिया कर्मी वालों से कुछ भी बात नहीं की, बल्कि वो कह रही थी मैं केवल सांत्वना दिलाने आई हूँ आकांक्षा की माँ को, क्योंकि आज उन्होंने अपनी इस लाडली बेटी को, उगता हुआ सूरज को खोया है दोस्तों। तो आज मैं मीडिया कर्मी से बात नहीं करूंगी, बल्कि मुझे इस बात की वो है कि आखिर इसका कातिल कौन है, और आखिर किसने ऐसी वारदात दी है कि आज आकांक्षा सिंह इस दुनिया में नहीं रही, और आकांक्षा सिंह के साथ ऐसी बुरी हालत आखिर किसने की है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही केवल लम्हा था ये, जब अक्षरा सिंह देखिए कितना ज्यादा परेशान है। अक्षरा सिंह को भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में इस प्रकार से कैसे हो रहा है, आज हमारे साथ ऐसे हो रहा है तो कल आपके साथ भी ऐसे होगा। तो वो भी इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में सुशांत सिंह के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था, उसके बाद आज दोबारा आकांक्षा सिंह के साथ भी ऐसा हो गया दोस्तों। तो आज दोस्तों बात करने के लिए बिल्कुल से इनकार कर दिया। देखिए गाड़ी पर बैठने के बाद भी बहुत सारे मीडिया कर्मियों ने बहुत सारे सवाल खड़ा किए, पर अक्षरा सिंह ने सीधे कह दिया आप लोग टीआरपी के चक्कर में ना पड़े, मुझसे कोई मतलब नहीं है, और मेरी तो बहन चली गई है, और आप लोग केवल टीआरपी के चक्कर में मुझसे सवाल जवाब करने जा रहे हैं, आप लोग केवल पैसे के चक्कर में, आप लोग केवल व्यू के चक्कर में हमसे बात करने जा रहे हैं दोस्तों। इस प्रकार से कह करके अक्षरा सिंह वहां से चली गई दोस्तों, और बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों, और गांव वाले भी बहुत ज्यादा दुखी हैं, और इतना ज्यादा दुखी हैं कि आप लोगों से क्या कहना चाह रहे हैं दोस्तों। ये यही सोचते हैं दोस्तों कि जो भी कातिल हो, जो भी जो है आकांक्षा दुबे का कातिल हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, और उसे कुछ लोग फांसी, कुछ लोग आजीवन कारावास, और कुछ लोग जो है सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं। परंतु दोस्तों अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि जो है समर सिंह पुलिस जो है रिमाइंडर में है, और 14 दिन के लिए है, और वो भी लगभग खत्म हो गया दोस्तों, और उनका मोबाइल भी दोस्तों मिल चुका है, एक पार्किंग में एक सीवी कार के अंदर रखा था लखनऊ में। तो आखिर लखनऊ में अपनी कार पर क्यों जो है मोबाइल छोड़ आए हैं, वो पूरी सबूत जो है अब जल्द से मिलने वाली है, क्योंकि वहां पर दो बार कॉल भी किया था आकांक्षा दुबे ने, और मोबाइल को पुलिस वालों ने खुलवा ली भी लिया है जो है समर सिंह की सहायता से। तो अब आगे उसमें कितना लेन देन है, जो उनकी माता जी कहती थी 3 करोड़ रुपए बकाया है, क्या क्या कैसा है, समर सिंह ने कितना ट्रांसफर किया है कि नहीं किया,
या आकांक्षा दुबे ने समर सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर किया है वो पूरी डिटेल उस मोबाइल के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। तो आप लोग भी देखेंगे आखिर अब यह क्याली सच्चाई किस प्रकार से खुलेगी। गांव वाले भी बहुत दुखी हैं आकांक्षा की मृत्यु के बाद। और कुछ लोग जो दोस्तों जो है अनुराधा सिंह का भी नाम इसमें जोड़ा जा रहा है कि आखिर वो क्यों इतनी जल्दी चले गए बिना परिवार वालों के मिले, आखिर वो क्यों इतनी जल्दी तुरंत रवाना हो गए। तो इस सबूत तमाम सबूतों के साथ जो है आज जो है समर सिंह के साथ जो है अनुराधा सिंह भी घेरे पर आ रही हैं। अब देखो आगे दोस्तों क्या होगा, हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। परंतु आज की जो सच्चाई है कि आकांक्षा दुबे के जाने के बाद पूरे गांव में दोस्तों सन्नाटा सा मचा है, पूरा गांव दुखी है और बहुत सारे लोग देखियो के घर में भीड़ भी लगाए हुए हैं। तो हम लोग कुछ गांव वालों से भी जानकारी जरूर इकट्ठा करेंगे और आप लोगों को बताते हैं कि आखिर गांव वालों की क्या राय है आकांक्षा दुबे को लेकर के। तो आओ हम लोग कुछ गांव वालों से बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं आकांक्षा दुबे जी के गांव में जहां पे उनकी आत्महत्या हुई थी बरदहा गांव में, और वहीं पे हम एक भैया जी से मिल रहे हैं। आखिरकार पूछते हैं कि क्या है पूरा मामला, क्या है उसके पीछे, कौन है मुजरिम। तो भैया जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा जी राजेश कुमार सोनकर। तो राजेश कुमार सोनकर जी आप आकांक्षा दुबे को जानते होंगे, आपके गाँव का ही मैटर है। जी हमारे घर के बगल में ही है सर। तो आप क्या कहना चाहते हैं जो उनके साथ इस प्रकार से निर्मम हत्या हुई है? जी सर, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि उनको जो भी अगर ऐसा कांड हुआ है सर, उनको गिरफ्तार किया जाए, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो फांसी पे चढ़ाने की मांग हो रही है, गांव वाले बहुत ज्यादा दुखी हैं। और क्योंकि एक ऐसी स्टार लड़की, सितारा भोजपुरी स्टार हीरोइन थी वो तो है सर, और उनके साथ में आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं जो भी अगर संजय सिंह हो चाहे समर सिंह हो, उनको और जो भी लोग शामिल है इस सबको फांसी पे चढ़ाया जाए, फांसी की सजा होनी ही चाहिए। और ताकि हम योगी सरकार से यही निवेदन करते हैं कि उनको फांसी की सजा होना चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाए। जी तो आपको क्या लगता है उनकी माँ जो बोल रही हैं कि यहाँ पे मतलब उनकी माँ आरोप लगा रही है कि समर सिंह के ऊपर 3 करोड़ रुपए का पैसा था, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? कई बार ने समर सिंह ने सर बोला था कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं। जी 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 पूरी कहानी बताइए, शुरू से बताइए। क्योंकि सर उनकी माँ बोल रही बता रही थी कि मतलब शादी करने के लिए उसने समर सिंह ने बोला था। जी 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 तो उनकी माँ तैयार नहीं हुई थी कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे। जी जी जो मेरा हम भाई जो भी है कास्ट के ही शादी करेंगे। तो अदर कास्ट कैसे करेंगे? पहला गाना बनाए वो बनाई पहला गाना राकेश मिश्रा साहब बनाई। ठीक, फिर उसके बाद पवन सिंह के, फिर उसके बाद ये आ गए समर सिंह, कल्लू सिंह के साथ। हाँ, उन सब लोगों के साथ। पर समर सिंह जब उनके साथ गाना बनाने चालू किए, क्या बोल रहे थे कि हमारे ही साथ बनाओ, दूसरे के साथ मत बनाओ। तो उसने बनाया, ये समर सिंह कह रहे। हाँ, समर